एबीपीएस गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला हापुड़ के ब्लॉक सिंभावली में स्थित रजेटी बाकरपुर गांव पहुंची। इस समय छोटे खां को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 1500 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर तो वही ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। लगभग 3750 वोटर वाला यह गाँव विकास पद पर अग्रसित है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 704 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 60 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 100 विद्युत पोल, 8 विद्युत ट्रांसफार्मर, 45 सोलर लाइट व 66 स्ट्रीट लाइट भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसीटाइज रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्राइमरी पाठशाला में मरम्मत कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 200 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान ने गांव में सीसीटाइज रोड, पंचायत घर, इंटर कॉलेज, पानी की टंकी, बारात घर, बैंक, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं छोटे खां ग्राम पंचायत रजेटी बाकरपुर तहसील गढ़मठ मुक्तेश्वर जिला हापुड़ सिंभावली ब्लॉक। सरकार पैसा देती है हमें गांव में विकास कराने के लिए, सही इस्तेमाल पैसा करते हैं, विकास में लगाते हैं। और हमने शौचालय, सरकार ने पैसा दिया शौचालय के लिए, 201 शौचालय बनवाया। अभी कुछ कमी है शौचालय की, सरकार से मांग कर रहे हैं पैसे के लिए। गाँव में हमारे पंचायत घर नहीं है, पंचायत घर बनना चाहिए, सरकार में ऐसा करावे। सरकार अस्पताल, सरकारी अस्पताल नहीं है, दूरी पे है, 10-12 किलोमीटर परेशानी होती है मरीजों को जाने में। कुछ रास्ते कच्चे रह रहे हैं, सरकार हमें उस पैसे करावे जो हम रास्ते लगा पैसे, गांव की सफाई शिक्षा बने, गाँव साफ बने। हम इंटरलॉकिंग करा रहे हैं गाँव में, स्कूलों में पत्थर सही करा रहे हैं, स्कूलों में के लिए सफाई के लिए, पत्थर के लिए हमने टंकी भी लगवाई है गाँव में, पानी के लिए स्कूलों में पत्थर भी लगा, कुछ मेज भी लगवाई चाहिए। और सरकार से मांग कर रहे हैं हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, जो हम गाँव में खुशहाली में लगाएं कार्य योजना। मैं नवाज खान रजेटी गाँव, छोटे प्रधान जी हैं हमारे गांव के। जितना भी पैसा बाहर से आता है, केंद्र सरकार देती है या राज्य सरकार देती है, सब कुछ लगा देते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं। बाकी जितनी अभी गांव में ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी करने के लिए कमियां हैं, मतलब रास्ते कुछ और पूरे सही से नहीं हो पाए हैं, टंकी की ज़रूरत है। बाकी पैसा मिलेगा तो पैसा वो लगा देते हैं सब, प्रधान जी सब मिलजुल कर रहते हैं।